हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल होलो डॉक्टर एमडी में। दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ नेप्रोसिन टैबलेट की, जिसका साल्ट होता है नेप्रोक्सेन। 250 mg और 500 mg में टैबलेट मार्केट में आती है दोस्तों। मगर मैं बात करता हूँ उसकी क्लास की। दोस्तों, इसकी क्लास है नॉन ओपोइड एनाल्जेसिक, इसकी क्लास होती है दोस्तों। इसका यूज बताने से पहले मैं आपको बता दूं, केवल आपको इसकी जानकारी दी जा रही है, कृपया आप इसे बिना डॉक्टर की सलाह के यूज ना करें। दोस्तों, मैं बात करता हूँ नेप्रोसिन टैबलेट का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, माइग्रेन में, दाल के दर्द में और एक्सीडेंट के बाद होने वाले दर्द और सूजन में इसका यूज किया जाता है। दोस्तों, इसकी डोज बताने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल हेलो डॉक्टर एमबीडी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा। तो दोस्तों, मैं बात करता हूँ इसके डोज की। एडल्ट 250 mg से लेकर 500 mg दिन में 2 या 3 बार दे सकते हैं। चिल्ड्रन जिनकी एज 2 वर्ष से अधिक हो, उन्हें केवल 6 mg पर केजी दिन में 2 या 3 बार हम दे सकते हैं। तो दोस्तों, मैं बात करता हूँ उसे कुछ कॉमन साइड इफेक्ट की। इसकी कॉमन साइड इफेक्ट है मितली, उल्टी, सिर चकराना, पसीना आना, स्किन रेसिव, पित्ती, छाती में जलन, सांस फूलना, कान में झुनझुन की आवाज आना, पीलिया, इसके कॉमन साइड इफेक्ट है। दोस्तों, मैं बात करता हूँ इस मेडिसिन के इंट्रेक्शन की, यानी कि ये मेडिसिन नेप्रोसिन टैबलेट जिसका साइड होता है नेप्रोक्सेन किस किस मेडिसिन से इंट्रेक्शन करता है। दोस्तों, इंट्रैक्शन जो करता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से, बाइसोप्रोलोल से, फ्रूसेमाइड से, सिप्रोफ्लोवोक्सासिन से और फेनिटोइन से और प्रोबेर एसिड से इंट्रैक्शन करता है। तो दोस्तों, नेप्रोसिन टैबलेट का यूज इन वाले साल्टों के साथ यूज नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मैं बात करता हूँ उसकी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स की। याद रखें दोस्तों, प्रेगनेंसी में और ब्रेस्ट फीडिंग में हम इस मेडिसिन का यूज नहीं करते हैं। और याद रखें दोस्तों, वृद्ध अवस्था में इसका हम बहुत ही सावधानी से यूज करते हैं, क्योंकि वृद्ध अवस्था में इसके कॉमन साइड इफेक्ट मैक्सिमम होते हैं। और याद रखिएगा दोस्तों, अस्थमा में, लीवर डिजीज में, किडनी डिजीज में, पीलिया में, शरीर पर सूजन आने में हम इसका यूज बहुत ही सावधानी से करते हैं। अगर दोस्तों आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो, प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।